एक्टर्स लई कुछ चीज़ां ना कमाल कर जांदियां ने ते कुछ एक्टर्स लई कोई ना कोई फिल्म बहुत स्पेशल बन जाती है ते शरण लई मैं कह सकदा कि शरीक 2 इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस इन्ना कमाल दा ट्रेलर शरण थैंक यू सो मच मैं जिन्ना भी आई थिंक थैंक यू कहूँ घट होगा मेरे फेस तो आई थिंक एक्सप्रेशन तो खुशी जाहिर हो ही रही होनी है और नर्वसनेस भी थोड़ी जी ट्रेलर देखा कहने ना इन्ना ग्रैंड ट्रेलर जिमी शेरगिल देव खरोड़ नाल तुसी कहने ना अनीता धीर मैम है ने अमर नूरी मैम ने योगराज जी ने यस अनएक्सपेक्टेबल सीगा मेरे लिए एटलीस्ट बट मैनू यह हुंदा कि जो असी कोई सपना वेख्या होवे ना तो पूरी शिद्दत नाल अगर असी वो सोच लिए ना कि असी वो चीज़ पानी है तो मतलब आई थिंक थोड़ी देर जरूर लग जाती है पर वो पूरा जरूर हो जाता है आई बिलीव 100% पहला फिल्म च काम किया है बट ये फिल्म कितना ना कि तो लगता है कि शरण नू एक बेंचमार्क सैट करके दे रही क्योंकि जिस तरह इस फिल्म के लिए बहुत वड्डे वड्डे नाम सामने आ रहे थे है ना कि कोई वड्डे चेहरे इस फिल्म लिए लब्भे जा रहे हैं बट तुहाडी एंट्री हुई है ना फिर उस तो बाद चमक के आना है सरप्राइज बिकॉज कई बार ना कहते हैं कि मैनू हुण समझ नहीं आती कि किद्दां चलो मैं आई गॉट लकी कि मैनू उन्होंने नहीं मिले बिकॉज उन्होंने जो भी रीज़न होया उन्हों का प्रोजेक्ट ना करन दा शायद मेरे लिए प्रोजेक्ट लिखा गया सीगा शायद इसीलिए मैं करना सी और क्योंकि इस तो बाद हुण मेरी ये ज़्यादा स्ट्रेस है कि ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेवे बिकॉज असी अपना 100% दिता है कोशिश की है कि अपनी अपनी ऑडियंस नू फुल ऑन कनेक्ट कर सकी बिकॉज एज अ न्यू कमर एक वो एक रिस्पोंसिबिलिटी भी हुंदी है और वड्डे आर्टिस्टां नाल जदों काम करदे आ ते ऑफकोर्स एक परफॉर्मेंस से भी बहुत ज़्यादा वो एक कहिंदे आ ना कि लेवल सैट हो जाता है ते मैं ये कोशिश की है कि ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਾ ਕਰ ਪਵੇ ਕਿ ਆ ਕੁੜੀ ਨਵੀਂ ਆ ਕੌਣ ਫਿੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਗੱਬੇ ਖੜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਹੈ ਆ ਕਿਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਲਾਈਕ ਜਦ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਐਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ येस बिकॉज वो ऑडिशन भी ये थोड़ा जहा कुड़ी का बोल्ड करैक्टर भी है और मतलब एक जिदा तुम हम ट्रेलर से भी देखा होएगा होली वाले सीन से जोड़ा एटीट्यूड है कुड़ी का उन्होंने एक सीन ही इदा का भेजा सीगा क्योंकि अगर मैंने दोनों ऑन टाइम तो करैक्टर प्ले करने से एज अ बोल्ड चुलबली एज अ बॉयफ्रेंड जिस तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन हों और एज सेम टाइम एक तुम व्डे खानदान की बहू बनते हो फिर वो वाला अलग तो एटीट्यूड और उस तो बाद फिर तुम एज अ मदर प्ले करते हो थोड़े तो बहुत सारी रिस्पोंसिबिलिटीज आ जाती ने वो चेंज ओवर मतलब मैं बहुत कुछ सीखा इस प्रोजेक्ट तो बहुत कुछ सीखा मैं टाइम याद है जिमी सर ना पहला सीन से जिमी शेरगिल सैट पर आते शरण भी उसे सैट पर की माहौल सब तो पहला की सीगा इतने जो मैं पहला सीन देव जी नाल कीता सी जिमी जी नाल मैं आफ्टर वन वीक बाद शूट किया उन्होंने तो मैं सब तो वड्डा मेरा यही स्ट्रेस हुंदा सी मैं सीन करके आ जांदी सी मैं पुछदी सी की रिस्पोंस आया मतलब आर्टिस्ट नाल फर्स्ट टाइम काम किया तो कहिंदे ने कि किद्दां दी एक्टर है या की कर दी है टचवुड आई एम सो लकी कि जिमी जी ने भी बहुत प्रेज़ किया तो देव जी ने भी बहुत प्रेस बिकॉज मे बी इन्हों दोनों का जो एक रिव्यू सीगा मेनू लैके वो बहुत इंपॉर्टेंट सी बिकॉज कहिंदे ना एक हाथ ना एक बंदा कल्ला नहीं काम कर सकता हमेशा टीम कर सकते अगर देव जी बेस्ट परफॉर्मर ने और जिमी जी बेस्ट परफॉर्मर ने अगर मैं उन्होंने स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अगर मैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊँगी ना वो पूरा सीन खत्म हो जाऊगा तो इट्स हर इंडिविजुअल परसन की रिस्पोंसिबिलिटी होंगी है कि अपने कैरेक्टर को जिन्ना इनहेंस करो क्योंकि जो स्क्रीन पर चार लोग कट्ठे तो उन्ना दा सीन है इंडिविजुअल नहीं हैगा एक दी भी परफॉर्मेंस लो गई पूरा सीन खत्म हो जाता है जेड़ा सी ट्रेलर च देख रहे हैं आग लगी हुई है शरण है ना 1% आ तुसी वेट करो अजे आंदा की है बहुत सारी जेड़ी एक्ट्रेस हुंदे ने उना सुपना हुंदा है सानू किरदार मिले है ना सिर्फ असी कहने बूटियां दे वाले नचना ना होवे बट एक वधिया किरदार मिले वो किरदार जद मिलिया परफॉर्म करदे होए कोई ब्रेकिंग पॉइंट सीगा कि जिस टाइम लगा होवे ओ माय गॉड मैं ये कर लिया पता मैं हमेशा आई थिंक यही फॉलो जो एज अ थिएटर करके आए हो ना तो एक हुंदा है कि नहीं एक ना क्योंकि एज अ आर्टिस्ट के हाथ ही हुंदा है कि इमेज नूं किद्दां बदलना है आपां जिद्दां सारे करी जांदे आई थिंक 1% भी अगर असीं चेंज कर सकीए तो आई थिंक बहुत वड्डी गल हुंदी है अज दी डेट च ते मैं हमेशा यही चाहत रखी है कि मैनू एक्टर करना मतलब मुझे कम करना है मुझे इहदा परफॉर्मर चाहिए मैनू यही जिद्दां तुसीं कहा कि दरख्तों के सामने नहीं घूमना मैनू एज अ ब्यूटी नहीं यूज़ होना तो
रोल एक सीगा जिन्हों देख के मैं 3 दिन तक मतलब मेरे दिमाग से वो रोल रहा सीगा। एक सीन सी नहीं भुलदा वो सीन सीगा, मतलब सीन बहुत सारे ने इदा दे और मैं कई बार 2-3 सीन इदा भी हो करके कि नहीं इदा नहीं इदा होना चाहिए सी, बट असी कभी सैटिस्फाइड मतलब कई बार नहीं होंगे पर पिछों अगर ओके हो जाता तो फिर कहने चलो ठीक है। एक अग का सीन सीगा मेरा और मैनू नहीं लगता कि इन्ना बड़ा सीन कभी किसी फीमेल वास्ते किया जाए, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑलसो और सीनली भी मतलब इन्होंने मतलब वो देखते हैं कि आर्टिस्ट की विलिंग पावर कितनी होंगी है करन दी, असी डूपी यूज नहीं किया मेरा बिल्कुल भी। और वो अग दे जड़ा सीन सीगा मतलब वो 3 दिन तक क्योंकि वो अग मेरे हेयर जल गई सी, मेरी बैक जल गई सी, मेरी लैशेज जल गई सी, मतलब इन्ना डर गई सी बट मैनू सीगा कि आई कैन डू दैट क्योंकि वो लास्ट ते ऐसा क्लोजअप सीन इधर ले इसी पूरा बर्न हो गया सी पिछे, बट मैनू सीगा कि नहीं शरण तेरा रोल है तू ही तेनू ही करना पड़ेगा। तो जो करके आई सी ना दिल में एक ना अलग जहा सुकून मिलया सी कि शरण यू डिड इट, तो मैनू सब ने एप्रीशिएट भी किया कि तू कर सकती है। मतलब जो जिते से मुक्तसर शूट किया वो सारी उस दिन ऑडियंस मतलब जिन्हें भी उतने लोग देख रहे थे सारे मैनू मिलन आए थे, हाँ कि तुसी ठीक हो, बिकॉज सारे दो आई थिंक 200 मीटर तो मतलब दूर खड़े सीगे सारे जाने, तो सिर्फ एक इकलौती मैं सीगी जो एक अग दे उस सीन विच सीगा मेरे, बट आई एम सो ब्लेस्ड आई गॉट दैट रोल रियली। असीं उम्मीद करांगे कि ये जिहड़ा प्यार है ये होर वधे ते ऑडियंस की लैके जाएगी शरण तो कुछ होर फिल्मां ऑलरेडी साइन कर लिया ने फिलहाल, यदि न्यूज़ मैं दूंगी शरीक तो बाद शरीक 2 रिलीज़ हो लो फिर थोड़े जो तो मैंने सारा रिस्पॉन्स मिलेगा ना उस तो बाद मैं होर सारा बहुत सारा कुछ शेयर करांगे। विश यू ऑल द बेस्ट शरण, तो उम्मीद करांगे कि बहुत सारा प्यार तुहानू जरूर मिले। थैंक यू सो मच। फिलहाल इस जी शरण जिन्हां नू तुसीं एक वक्रे जे किरदार दे विच वेखोगे फिल्म शरीक 2 दे विच देव खरोड़ दे नाल नाल जिमी शेरगिल नाल स्क्रीन शेयर करते हुए उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दस्सिया कि कितना एक एक्टर लई माण दी गल हुंदी है जद कोई वड्डे आर्टिस्ट भी तुहाडी खुल के तारीफ करन। फिलहाल होर फिल्मां दी अपडेट्स लैके तुहानू मिलदे रहांगे, देश नाल दी तमाम खबरां दा सिलसिला ABP सांझा ते जारी है।